तो दोस्तों इस लेक्चर के पार्ट टू में मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको ये फार्मूला जो है ना वो डिराइव कर लिया था बाकायदा तौर पर कि इसको हम किस तरह जो है ना वो डिराइव करते हैं। इनिशियल जो है ना डिवाइडेड डिफरेंस का जो फार्मूला था जिसमें ए नॉट और ए वन अफियर्स होते थे, ठीक है। सो इसको मैंने जो है ना यहाँ तक जो है ना वो सिंप्लीफाई कर दिया है, अब इसको हम जो है ना मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। और मैंने आपको बता दिया था इस लेक्चर के पार्ट टू के एंड में कि हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंसेस डिफाइन करने होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इस फार्मूले को मजीद जो है ना सिंप्लीफाई कर लेता हूँ बगैर जो है ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंसेस के तरफ बढ़ते हुए, ठीक है। सो अब इसमें जो है ना ये टर्म्स अपीयर होता है, ये आप देख सकते हैं ये टर्म, और ये किसी चीज के बराबर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आप सबको जो है ना ये आता होगा कि एस एस माइनस वन एंड एस माइनस के अप टू के प्लस वन ये किस चीज के बराबर होता है। ये आपने जो है ना बायोनोमियल कोएफिशिएंट्स जो है ना वो आपको एक बायोनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये, और आपको पता होगा कि एस और के ये जो है ना ये कम्बिनेशन परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी वो एक चैप्टर है जो कि एपीएससी में लोगों को पढ़ाया जाता है। उसमें जो है ना इसकी इसका डिफिनेशन है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, एस होता है फिर एस माइनस वन होता है फिर एस माइनस टू होता है और इसी तरह जो है ना ये बढ़ता है, कहाँ तक बढ़ता है, अप टू एस माइनस के माइनस वन, ठीक है, यहाँ तक जो है ना ये बढ़ता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय फिर क्या होता है, ये नीचे जो भी चीज होता है उसका फैक्टोरियल होता है, ठीक है, ये आप सबको आता होगा। अब इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो एस एस माइनस वन एस माइनस टू ऑफ टू एस माइनस के एस माइनस के प्लस वन आता है, ठीक है, एस माइनस के प्लस वन और डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये चीज है, अगर मैं जनरली नंबर में आपको बता दूं ना, सो अगर आपके पास फाइव है और नीचे टू है सो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी फाइव फिर फाइव माइनस वन फिर फाइव माइनस माइनस टू होगा कि नहीं होगा। अब इससे एक नंबर लेस, ये देखो के माइनस वन अपटू के माइनस वन, सो टू माइनस वन क्या है वन, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ यहाँ तक ये क्या होगा, ये होगा और डिवाइडेड बाय ये नीचे जो भी है उसका फैक्टोरियल, सो ये इस चीज के बराबर होता है। सो ये मैंने जनरली आपको लिख लिया है। अब आप देख सकते हो कि ऊपर जो है ना ये वाला टर्म नहीं है एस एस माइनस वन एन टू अपटू एस माइनस के प्लस वन, ये वाला टर्म है। सो अगर हम के फैक्टोरियल को यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमारे साथ जो है ना वो टर्म ऑफ बायोनोमियल कोएफिशिएंट आ जाएगी और वो हम इस फार्मूले में फुट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सो ये देखो ये क्या होगा, ये चीज ये होगा, ये के फैक्टोरियल हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, सो एस के इन टू के फैक्टोरियल, सो ये मैं इस फार्मूले में फुट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, सो ये जो है ना ये तो एग्जैक्टली वही फार्मूला है, चलो मैं दोबारा लिख लेता हूँ। समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 अप टू n f ऑफ x नॉट x1 अप टू xk और h ऑफ k इनटू k फैक्टोरियल sk, ये देखो ये हमारे साथ जो है ना वो अटेन हो गया है, ठीक है। अब मैं जो है ना इस फार्मूले को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए जा रहा हूँ और इसको हम किस तरह मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो सबसे पहले आपने दो चीजें जो है ना वो जानने होंगे, एक होता है फॉरवर्ड डिफरेंसेस और एक होता है बैकवर्ड डिफरेंसेस सबसे पहले जो है ना आपने इसको समझने के लिए क्या करना है कि फॉरवर्ड डिफरेंसेस किस चीज से डिनोट होता है, सो इट इज डिनोटेड बाय डेल, ये डेल से जो है ना ये डिनोट होता है, डेल का सिंबल क्या होता है वो ये सिंबल होता है, ठीक है। अच्छा, ये डेल से होता है, लेट मी कंफर्म इट, बिल्कुल ये डेल से होता है। अच्छा, अब ये किस चीज से डिनोट होता है, इट इज डिनोटेड बाय नेबला, इसको नेबला कहा जाता है, ठीक है। सो ये इस चीज से डिनोट होता है, ये इस चीज से डिनोट है। और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है इस फॉरवर्ड डिफरेंसेस के फार्मूले में। लेट सपोज अगर आपको ये ना कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, लेट सपोज एफ ऑफ वन दिया है, एफ ऑफ टू पॉइंट फाइव दिया है, एफ ऑफ फाइव दिया है, एफ ऑफ सेवन पॉइंट फाइव दिया है, और इसी तरह आपको वैल्यूज दिए, पर आपसे क्या चाहिए, एक दो तीन चार चार पॉइंट दिए होंगे, इसका मतलब ये कि आप एट द मोस्ट 3 डिग्री पॉलीनोमियल बना सकते हैं। और लेट सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये कैलकुलेट कर ले एफ ऑफ पी थ्री ऑफ टू, और फिर दूसरे केस में आपसे पूछा जाए कि आप क्या कैलकुलेट कर ले एफ ऑफ एफ थ्री ऑफ सिक्स कैलकुलेट कर ले, सो आपने क्या करना है, ये देखो ये टू जो है ना ये इस एंड के करीब है, ये देखो यहाँ पर कहीं वैल्यू है, जबकि एस एक्स जो है ना वो इस एंड के करीब है, यहाँ पर कोई वैल्यू है, ठीक है। सो
जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम टेबल जो है ना वो फार्मूलेट कर लेते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे साथ होती है, ये सपोज मैं ये चार ले लेता हूँ यहाँ पर, फिर हमारे पास जो है ना उस फंक्शन की वैल्यू यानी जीरो ऑर्डर जो है ना डिवाइडेड डिफरेंस होता है, जो टेबल मैंने आपको पार्ट वन या पार्ट टू में इस लेक्चर के पार्ट टू में इंट्रोड्यूस कराया था। फिर यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस होता है, ठीक है, फिर यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस होता है, फिर यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस होता है। सो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो वैल्यू वो ए नॉट की होगी वो ए वन की होगी, वो ए टू की होगी, वो ए थ्री की होगी, इसी तरह होता है, ठीक है। लेकिन अब ये देखो इस अब यहाँ पर भी एक वैल्यू है, ये देखो ये आप ऊपर से आ गए हैं, ये आप नीचे से ऊपर जा सकते हो, इसी तरह हम ये भी यूज कर सकते हैं कि ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए थ्री, ये भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये हम किस सूरत में यूज करेंगे, मतलब कि ये ऑर्डर कि हम ए नॉट ए वन की वैल्यू ये लेते हैं और ये हम कब यूज करेंगे। सो इसके लिए भी ना ये चीज है, देखो अगर आपका रिक्वायर्ड नंबर जो है वो इनिशियल जो है ना वो स्टार्टिंग के करीब है, स्टार्टिंग के करीब है, सो आपने जो है ना ये ऑर्डर फिर फॉलो करना है, ठीक है, और इसको कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस क्या है, अब डिफरेंसेस का टर्म छोड़े और फॉरवर्ड डिफरेंसेस भी छोड़े, लेकिन हमें फिर क्या यूज करना होगा, फॉरवर्ड डिफरेंसेस यूज करना होगा। अब ये क्या है मैं आप एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो इन के करीब है तो आपने फिर बैकवर्ड डिफरेंसेस यूज करने होंगे, मतलब कि ये ऑर्डर आपने फिर यूज करना होगा, ठीक है। और अब बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या है तो इस पार्ट में मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं पावर डिफरेंसेस के ऊपर। अब पावर डिफरेंसेस क्या होता है, लेट सपोज ये जो है ना ये हमारे पास जो है ना वो x0 है, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, और इसी तरह बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। लेट सपोज ये हमारे पास xi माइनस वन है, ये xi है और ये xi प्लस वन है, और लेट सपोज ये सारे इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, ये मैंने थोड़ा गलत ड्रा किया, ये ज्यादा ये कम है, लेकिन लेट सपोज ये क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब ये हर दो पॉइंट के दरमियान सेपरेशन h है, मतलब के सेम है। अच्छा और यहाँ पर भी ये मैं ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, लेट सपोज ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, इसी तरह बढ़ती जाओ, ये x i माइनस वन है, ये एक्स आई है और ये एक्स आई प्लस वन है, ठीक है। अब फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या होता है, अब इसको देखो, इसके करिस्पॉन्डिंग भी उस फंक्शन की कुछ वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स नॉट, इसके करिस्पॉन्डिंग भी उस फंक्शन की कुछ वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, एफ ऑफ एक्स आई, एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन, इसी तरह जो है ना ये भी होगा एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, f of x i minus 1, f of x i, और फिर f of x i plus 1, ठीक है। अब ये पावर डिफरेंसेस क्या होता है, ठीक है, लेट सपोज अगर आपसे कहा जाए कि पावर डिफरेंसेस जो है ना वो आप कैलकुलेट कर ले और किस पॉइंट, ये देखो ये तो पावर डिफरेंसेस का सिंबल है, लेट सपोज अगर आपसे कहा जाए कि पावर डिफरेंसेस आप f of x नॉट कैलकुलेट कर ले, और ये भी याद रखो कि पावर डिफरेंस हमेशा y की वैल्यू के ऊपर होता है, वो x की वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, ठीक है। सो अगर आपको कहा जाए कि पावर डिफरेंस आप फंक्शन एट x नॉट कैलकुलेट कर ले तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि f of x नॉट के आगे कौन सा पॉइंट है, सो f of x नॉट के आगे कौन सा पॉइंट है, वो है f of x1, ठीक है। सो आप जो है ना वही वैल्यू लोगे f of x1 और पिछली जो वैल्यू है वो उससे सब्ट्रैक्ट करोगे, सो ये सब्ट्रैक्ट का साइन आ गया इसलिए इसको डिफरेंसेस कहा जाता है। और आप जो है ना फॉरवर्ड बढ़े हो, ये देखो एफ ऑफ एक्स नॉट से आप फॉरवर्ड बढ़े हो इसलिए जो है इसको फॉरवर्ड डिफरेंसेस कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड डिफरेंसेस आपके पास एक्स नॉट क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट होता है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ एफ ऑफ एक्स थ्री, ये क्या होता है। सो आपने जो है ना x3 से आगे जाना है, सो f of x3 से आगे क्या आएगा, f of x3 से आगे जो आएगा ना वो आएगा f of x4। सो आपने f of x4 जो के बड़ा है उसे माइनस करना है f of x3 को, इसको फॉरवर्ड डिफरेंस का f of x3 कहा जाएगा। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि f of x4 माइनस f of x3। इसी तरह जो है ना आप किसी भी जो है ना फंक्शन की वैल्यू की फॉरवर्ड डिफरेंस जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ बैकवर्ड, और ये भी याद रखना है कि हमेशा आपने ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, मतलब कि इस तरह तो आप बड़े हो लेकिन इस तरह नहीं करना कि फिर आप f of x0 से f of x1 सब्ट्रैक्ट कर लो, इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। आपने लार्जर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करना है। अब जरूरी भी नहीं है कि f of x0 जो है वो f of x1 जो है ना वो f of x0 से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि ये तो फंक्शन की वैल्यू से, मैं आपको दो फंक्शन ड्रा करके लेता हूँ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। अब ये देखो एक फंक्शन इस तरह है, ठीक है, और एक फंक्शन इसी तरह है। अब ये देखो यहाँ पर लेट सपोज ये x0 है, लेट सपोज ये x1 है, ठीक है, f of x0 और f of x1, ठीक है।
अब ये देखो f of x1 जो है ना वो f of x0 से बड़ा है, लेकिन ये देखो लेट सपोज अगर ये x0 है f of x0 और ये f of x1 है, सो f of x1 जो है x0 जो है ना अब वो f of f1 से ग्रेटर है। लेकिन आपने यहां पर इतने ही देखना, बस जो राइट साइड पे आता है ना उसको जो है ना आपने लेफ्ट साइड से जो है ना वो सबट्रैक्ट करना है, ठीक है, चाहे फॉरवर्ड डिफरेंसेस का केस हो चाहे बैकवर्ड डिफरेंसेस का केस हो। सो आप जो है ना फॉरवर्ड डिफरेंसेस का कोई भी जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं। अब इसके तरफ मैं मजीद आता हूं कि अब इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब कि f of x1 minus f of x0 इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो सबसे पहले जो है ना मैं यह आता हूं कि ये चीज जो है ना ये किस चीज के बराबर होता है, ठीक है। सो ये होता है फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ f of x1, लेकिन इस फार्मूले की तरफ जब मैं बढ़ूंगा ना सो इसका मतलब ये है कि यहां पर कोई चीज अपीयर हो रहा है और वो है कि f of x0 x1 और दिस वन ये अपीयर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अब ये जो है ना मुझे एंटर में फॉरवर्ड डिफरेंसेस और एंटर में बैकवर्ड डिफरेंसेस जो है ना वो लिखना है, क्योंकि यहां तक तो बिल्कुल सिंपलीफाई हो गया है, लेकिन अगर ये चीज भी सिंपलीफाई हो जाए ना सो ये फार्मूला बिल्कुल सिंपलीफाइड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो उसके लिए हम क्या करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंसेस का मदद लेते हैं। अब इसी तरह मैं बैकवर्ड डिफरेंस का मैं इंट्रोडक्शन आप करा था और फिर इसको सिंपलीफाई करके यहां पर पुट कर लूंगा, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द बैकवर्ड डिफरेंसेस ऑफ f of x1, सो f of x1 का बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, सो बैकवर्ड का मतलब क्या है कि आपको बैकवर्ड आना है, इस तरह के यहां पर हम किस तरह जाते हैं, यहां तक जाते तो फिर इस तरीके सबट्रैक्ट कर ले रहे। अब यहां पर x1 x1 इस तरह आएंगे तो इससे जो है ना लेफ्ट साइड पे क्या आता है f of x0 आता है, तो आपने अब इस तरह नहीं करना, ये देखो यहां पर जो राइट साइड पे आता है f of x1 तो उससे हम पिछले वाले को सबट्रैक्ट करते थे, अब इस तरह ये नहीं है कि आपने जो है ना f of x1 की बजाय यहां पर आगे आप इससे ये सबट्रैक्ट करोगे, मैंने आपको कहा कि हमेशा जो है ना राइट साइड से लेफ्ट साइड में वो सबट्रैक्ट करना है। सो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f of x1 का मतलब क्या है कि बैकवर्ड क्या आता है f of x0 आता है और फिर ये दोनों आपके साथ अपन हो जाए, सो राइट साइड पे कौन सा है f of x1 है, सो आप f of x1 से क्या कर लोगे f of x0 जो है ना आप सबट्रैक्ट कर लोगे। इसी तरह अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ x4, x4 का बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, सो आपने जो है ना x4 से इस तरफ आना है, तो x4 से इस तरफ कौन सी वैल्यू है वो है f of x3, सो अब आपके पास f of x3 और f of x4 है, सो आप क्या करोगे f of x4 से f of x3 सबट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि f of x4 राइट साइड पे है, सो f of x4 minus f of x3 जो है ना ये आपके साथ बैकवर्ड डिफरेंस का डेफिनेशन है, आपने इस नोटेशन से लिखना है और उसकी वैल्यूज ये होते हैं, ये सिर्फ बैकवर्ड डिफरेंस का डेफिनेशन है। अब यहाँ पर आपको एक रिलेशन भी जो है ना वो मिलता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंसेस में, अब इन दोनों टर्म्स को देखे आप ये और फिर ये इनके राइट साइड जो है ना वो एग्जैक्टली सेम है, अब ये और ये इनके राइट साइड भी क्या है एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब ये है कि इसके जो है ना लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे, मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस का रिलेशन क्या है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x0 इज इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x1, ठीक है। इसी तरह इसको देखो कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x3 इज इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x4, ठीक है। सो इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो आपके साथ ये रिलेशन आ जाता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ xi इज इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ xi प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ये देखो अगर ये x0 है तो x1 है, अगर ये x3 है तो x4 है, इसका मतलब अगर ये xi है तो ये xi प्लस 1 होगा, ठीक है। अब मैं जो है ना इस फार्मूले की तरफ जो है ना वो आता हूँ कि इसको हम किस तरह से सिंपलीफाई करते हैं, मतलब f of x0 को हम किस तरह से, x0 तो ये है लेकिन f of, क्योंकि k की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, अगर ये 1 पुट कर ले तो मिनिमम जो इसकी वैल्यू होती है वो f of x0 x1 आता है, ठीक है। सो अब मैं जो है ना यहाँ पर आ जाता हूँ, फॉरवर्ड डिफरेंस का नोटेशन भी आपने सीख लिया, इसका डेफिनेशन भी जो है ना सीख लिया और आप इसको अब कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से, ये आपने सीख लिया है। अब मैं जो है ना फॉरवर्ड डिफरेंस से जो है ना कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ, इस फार्मूले में खुद करूंगा और उसको फिर क्या कहा जाएगा, उसको फिर कहा जाएगा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। सो अब लेट सपोज मैं आपका हूँ, क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू ये तो ये है, लेकिन यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू पर की इक्वल 1 होता है ना, क्योंकि k 1 से स्टार्ट है, सो x0 और x1 जो है ना वो सबसे मिनिमम वैल्यू है ये, अगर अगले स्टेप पे आप जाओ सो f of x0 x1 एंड x2 तक फिर चला जाता है, फिर x3 x4 x5 इसी तरह चलता है, लेकिन मैं जो है ना सबसे मिनिमम वाला लेता हूं, सो f of x0 और x1 क्या होगा, सो आपको ये पता है कि ये क्या होगा,
power difference of f with respect to x1 minus power difference नहीं sorry divided difference of f with respect to x1 minus divided difference of f with respect to x0 divided by x1 minus x0। और ये तो already आपको पता है कि किस चीज के लिए फार्मूला है, जब जो है ना गिवन पॉइंट्स या गिवन नोड्स इक्विडिस्टेंट हो। तो अगर इक्विडिस्टेंट तो x1 minus x0 क्या होगा, उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो तो h के बराबर होगा ना, इसका मतलब ये कि a1 और h2 यहां पर आ गया है। अब ये f of x1 minus f of x0 ये क्या होता है, सो ये तो आपको पता है कि ये क्या होता है, ये होता है फॉरवर्ड डिफरेंस, सॉरी ये तो मैंने बैकवर्ड डिफरेंस का सिंबल ले लिया, ये होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f of x0, क्योंकि f of x0 से आगे f of x1 होता है और f of x1 minus f of x0 क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f of x0 होता है। सो ये वीडियो मेरे साथ जो है ना वो आ गई है, ठीक है। अब मैं जो है ना आगे बढ़ता हूँ और मैं जो है ना डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x0 x1 minus x2 लिख लेता हूं, क्योंकि x2 मैंने यहां पर इंक्लूड कर लिया कि अब इससे क्या आता है। सो अब आपको मैंने कहा था कि फर्स्ट इग्नोर कर और बाकी लिख x1 x2 फिर माइनस f ऑफ x0 x1 और फिर डिवाइडेड बाय लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस, सो x2 माइनस x0। सो अगर इक्विडिस्टेंस है तो आपको तो पता है कि x2 माइनस x0 क्या होगा, वो 2h होगा, क्योंकि ये देखो x0 से लेकर x1 तक 1h और फिर x1 से लेकर x2 तक दूसरा h, तो इसका मतलब ये कि this one minus this one is 2 times h। तो यहां पर मैं 1 और 2h लिख लेता हूं, ठीक है। अब ये देखो यहां पर ये माइनस ही आता है, अब इसके बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखो ये f of x0 और x1 है, तो इसका मतलब है कि 1 और h फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f of x0, मतलब कि जो इनिशियल वैल्यू होती है ना, जो इनिशियल वैल्यू होती है उसका फॉरवर्ड डिफरेंस जो है ना वो ये होता है, ठीक है। अब इसके बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, x1 x2 इसको जनरलाइज करके, तो इसका मतलब है कि 1 ओवर h फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f of, यहां तो पहली वैल्यू x0 थी इसलिए यहां x0 डिफरेंस किया था, यहां पर पहली वैल्यू x1 है इसलिए मैं यहां पर x1 लिखूंगा, ठीक है। सो ये भी आपने सीख लिया है। अब माइनस अगेन इसको, ये तो एग्जैक्टली इसके सिमिलर है, f of x0 और x1 तो माइनस लिख लिया और ये एग्जैक्टली लिख लूंगा, ठीक है। सो 1 ओवर h और फिर डेल f of x0, सही है, ये तो आपके साथ अब आ गया है। अब इससे अगर मैं जो है ना 1 ओवर h का मान ले लूं तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2h स्क्वायर आ जाएगा ना यहां पर, और यहां पर क्या कौन सी चीज बन जाएगी, तो ये चीज हमारे साथ, और ये डेल b में कॉमन लेता हूं, ठीक है। तो ये जो है ना मैंने डेल b जो है ना वो कॉमन ले लिया, अब यहाँ पर हमारे साथ क्या बच गया है, f of x1 minus f of x0। अब ये देखो f of x1 और f of x0 ये क्या होता है, ये अगेन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ x0 होता है, ये देखो ये देखो ये देखो ये चीज क्या है, f of x1 minus f of x0 ये क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f of x0 होता है, ठीक है। सो 1 ओवर 2h स्क्वायर तो ये था डेल, ये था, और इसके बजाय अगेन जो है ना मैं ये डेल f of x0 लिख लेता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 ओवर 2h स्क्वायर डेल स्क्वायर f of x0, तो इसका मतलब है कि सेकंड ऑर्डर वाला ये आ गया। अब मैं इसकी तरफ पढ़ता हूं कि इसको इस चीज को जनरलाइज करके ये हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको जनरलाइज करके, इस रिजल्ट को जनरलाइज करके मैं ये लिख सकता हूं कि f of x0 x1 अप टू व्हाट, अप टू xk, ये चीज क्या आ जाएगा। अब ये देखो ये 1 ओवर 2 है, ये 1 ओवर 1 है, ठीक है। अब ये 1 ओवर ये 2 है ना, ये देखो 2 तक आ गया है, तो ये 2 है। अब ये k है, तो ये जो है ना k होगा, लेकिन k फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। अगर मैं जो है ना इस थर्ड के लिए कैलकुलेट कर लूं ना तो वो 6 फिर आएगा, तो इसका मतलब है कि k फैक्टोरियल है। अब ये देखो ये x2 है, ये x1 है, तो यहां पर h की पावर 1 है, ये x2 है, तो ये h पावर 2 है, अगर ये xk है तो इसका मतलब है कि ये h पावर k होगा, ठीक है, ये भी हो गया। इसी तरह ये भी है, ये एक डेल है, क्योंकि यहाँ पर x1 है, यहाँ पर 2 तक आ गया है, तो ये x2 है। इस तरह अगर यहाँ पर k तक आ गया है, तो ये मल्टीप्लाई बाय डेल की पावर k होगा, ठीक है, ये भी आप सबको पता है। अब ये f of x0 सब में कॉमन है, तो यहाँ पर भी मैं f of x0 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इस फार्मूले में अगर मैं पुट कर देता हूँ ये रिजल्ट, तो हमारे साथ जो फार्मूला आएगा उसको न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला कहा जाएगा, क्योंकि मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस से कैलकुलेट कर लिया और फॉरवर्ड डिफरेंस का सिंबल भी इसमें अपीयर होता है। अगर मैं इसको फिर सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये मेरे साथ आएगा Pn of x is equal to फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x0, फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं सॉरी यार, 0 0 फॉरवर्ड 0 डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x0 और फिर प्लस फिर समेशन साइन है, फिर k is equal to 1 अप टू k is equal to n, और इस चीज के बजाय मैं क्या लिख लेता हूं, 1 ओवर k फैक्टोरियल h पावर k फिर डेल पावर k
फिर f ऑफ x नॉट और फिर ये बाकी जो बचा है ये लिख लेता हूँ h पावर k, k फैक्टोरियल और s और k, ठीक है ये हो गया। अब ये देखो h पावर k, h पावर k जो है ना वो डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में, सो ये कट जाएगा, ठीक है। सो ये चीज और ये चीज जब कट जाए सो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है ना ये फार्मूला हम लिख सकते हैं कि f ऑफ x नॉट प्लस समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू k इज इक्वल टू n, और अब ये क्या आएगा मेरे साथ, ये आएगा डेल पावर k f ऑफ x नॉट और फिर s और फिर k। सो इस फार्मूले को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, इसको क्या कहा जाता है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब इस तरह जो है ना बैकवर्ड डिफरेंसेस को इस तरह साल करके हमारे साथ जो है ना न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला आ जाता है, लेकिन उसको मैं साल नहीं करूंगा, मैं जनरली जो है ना वो आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं जो है ना वॉश आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो है ना वो लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसको जनरलाइज करके बस मैं लिख लेता हूँ। ये देखो पी एन ऑफ एक्स, सो अगर फॉरवर्ड डिफरेंस है तो स्टार्ट आपने कहाँ से लिया है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड से लिया है, क्योंकि आपने आगे जाने सो एक्स नॉट से आपने स्टार्ट लिया है। अगर बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्म में सो आपने सबसे इन से जो है ना वो स्टार्ट लेना है, और सबसे इन की वैल्यू क्या होगी, वो एक्स एन होगी, सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये होगा एफ एक्स एन। आपने यहाँ पर सिर्फ दो चेंजेस करने हैं, दो नहीं बल्कि तीन चेंजेस करने हैं, एक्स नॉट के बजाय आपने एक्स एन लिखना है, क्योंकि ये बैकवर्ड की तरफ आता है, सो सबसे बैकवर्ड वैल्यू जो है एक्स एन है, जबकि फॉरवर्ड से आप जब स्टार्ट लेते हो तो सबसे आगे की वैल्यू वो एक्स नॉट होता है, इसलिए यहाँ पर एक्स नॉट अपीयर है। इस तरह यहाँ पर ये डेल का सिंबल है वह आपने नेबला सिंबल लगाना है, जो कि बैकवर्ड डिफरेंस का सिंबल होता है, और ये तो सेम, और इस तरह ये इस एस के बजाय आपने निगेटिव लिखना है, माइनस एस लिखना है। क्यों माइनस एस लिखना है, क्योंकि इस यहाँ से आप इस तरफ जाते हो, वहाँ से आप उस तरफ आते हो, तो मतलब कि अगर आपने 1.5 मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1.5 एच के साथ, सो आप इस तरफ बढ़ते हो, लेकिन अगर आपने 1.5 एच मल्टीप्लाई कर लिया तो आप मतलब उस तरफ बढ़ते हो, इसलिए आपने जो है ना एस के साथ निगेटिव लिखना है। और यहाँ पर एक और टर्म अपीयर होता है माइनस वन पावर के, माइनस वन पावर के का मतलब यही कि फर्स्ट टर्म माइनस होगा फिर प्लस होगा फिर माइनस फिर प्लस, मतलब कि अल्टरनेटिवली प्लस और माइनस सिंबल जो है ना वो उसमें या साइन जो है ना उसमें अपीयर होते हैं। सो एक आप एक्स एन प्लस समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू k इज इक्वल टू n, और यहाँ पर आपने माइनस वन पावर k लिखना है, इसका मतलब है कि यहाँ पर साइन, यहाँ पर तो हमेशा प्लस प्लस साइन आता है, लेकिन वहाँ पर हमेशा प्लस साइन नहीं आता, एक माइनस होता है फिर प्लस होता है, एक माइनस फिर प्लस, इसलिए ये एडिशन होता है। फिर एफ आप एक्स नॉट है वहाँ पर, सो यहाँ पर एफ आप एक्स एन होगा, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, और एस के है सो यहाँ पर माइनस एस के होगा, मैंने ये भी आपको ऑलरेडी कहा है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है, ये मैंने आपको न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला कह दिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको इस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला और इस सिंप्लीफाइड फार्मूले के ऊपर आपको एग्जांपल्स करूंगा, ठीक है। और जो एग्जांपल मैंने आपको कर दिया है, मैं अभी इस व्हाइट बोर्ड पर जो है ना कुछ आपके लिए सजेस्टेड एग्जांपल लिखे हैं, तो आप खुद इसे ट्राई करें, बिल्कुल उस एग्जांपल के मेथड पर होंगे, ठीक है, और मैं आपको समझा भी दूंगा और आप ट्राई भी कर ले, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपके साथ फिर शेयर भी करूंगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी भेज दूंगा, लिख लूंगा, सो अगर आपको कुछ नहीं आता तो मुझे जस्ट व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर ले, मैं उस पर आपको वो जो आंसर है या वो जो सोल्यूशन है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा तो दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल नंबर वन कराया था, जिसमें जो है ना कुछ पॉइंट्स ये बनते हैं हमारे पास, तो एक दो तीन चार, यहाँ पर चार पॉइंट के होने हैं और मेरे ख्याल में वहाँ पर पांच पॉइंट्स के होते हैं। वहाँ पर जो है ना डिग्री फोर का पॉलीनोमियल बनाना था, यहाँ पर डिग्री वन डिग्री टू और डिग्री थ्री तीनों का पॉलीनोमियल बनाना है, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, ये बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। ये भी तकरीबन आधे पेज में होता है, ये भी तकरीबन आधे पेज में होता है, ये भी तकरीबन आधे पेज में होता है। अब आपको करना क्या है, आपको ये बताता है कि कंस्ट्रक्ट इंटरपोलेटिंग पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री वन टू एंड थ्री फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड अप्रोक्सीमेट द स्पेसिफाइड वैल्यू। आपको डिग्री वन का पॉलीनोमियल बनाना है हर एक पार्ट के लिए, डिग्री टू का बनाना है हर एक पार्ट के लिए, और डिग्री थ्री का बनाना है हर एक पार्ट के लिए, और फिर आपको जो है ना ये वैल्यू जो है ना वो अप्रोक्सीमेट करने है उस पॉलीनोमियल के ऊपर, यानी कि पी वन पी टू और पी थ्री के ऊपर इन सारे पार्ट के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये समझा दूं, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये सारा काम जो है मैंने आपके लिए कर लिया है, लेकिन मुझे
आप जो है ना मेरे लिए एक काम कर लो कि मेरा चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब कर लो अगर आपको पसंद आता है। अच्छा सो इसके लिए मैं आपको ये पॉइंट गिवन है। सो आपको डिग्री वन फाइनल में फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि 0.43 ये किस किस चीज़ के दरमियान है। 0.43 ये देखो मैं ये यहाँ पर जो है ना 0.43 ये इस इन दोनों के दरमियान है, ठीक है। सो आपने एक्स नॉट ये लेना है और x1 जो है ना आपने ये लेना है, ठीक है। कई ऐसा ना हो कि आप x0 ये ले ले और x2 ये ले ले, आपको ये देखना होगा। बहुत से लोगों ने ये जो है ना ये गलती वो बार बार करते हैं कि वो पहले दो पॉइंट्स ले लेते हैं, नहीं आपको ये वैल्यू देखनी होगी कि किन दोनों के दरमियान है, आपने वही दोनों लेने हैं। फिर डिग्री टू फाइनल में फाइंड करने के लिए आपने कौन से पॉइंट्स लेने हैं, आपने तीन पॉइंट्स लेने हैं, लेकिन कौन से तीन पॉइंट्स लेने हैं ये देखो 0.43 के दरमियान। अब आपका अपना चॉइस है कि आप ये और ये लेते हो या ये और ये लेते हो, आपका अपना चॉइस है, ठीक है। इस तरह जो है ना डिग्री थ्री फाइनल में के लिए तो आपको ये सारे पॉइंट जो है ना वो लेने होंगे। इसी तरह ये सारे प्रॉब्लम जो है ना वो सिमिलर तरीके के। अब इसको देखो इन साल के दरमियान डिफरेंस है नहीं है, देखो इसके दरमियान 0.25 डिफरेंस है, जबकि इसके दरमियान जो है 0.5 डिफरेंस है, जबकि इसके दरमियान फिर 0.25 है। इसी तरह ये भी सेम नहीं है, 8.1 8.2 3 0.2 डिफरेंस है यहाँ पर, अब 0.3 डिफरेंस है यहाँ पर, 0.1 डिफरेंस है। सो ये भी जो है ना डिफरेंस सेम नहीं है इसमें, इसलिए वो सेम डिफरेंस वाले फार्मूले इसमें यूज ही नहीं होते और वो पर एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम मैंने आपको किए भी नहीं है, ठीक है। आपको नहीं करने है वो मैं नेक्स्ट इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वो प्रॉब्लम भी करूंगा, ठीक है। ये एक लॉन्ग लेक्चर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने आपको अच्छी तरह समझा लिया है। अब ये भी जो है ना उस तरह का नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0.6 से 0.7 जो है ना वो 0.1 है, फिर ये भी 0.1 है, लेकिन ये जो है ना 0.2 डिफरेंस है इसमें, जबकि ये पार्ट जो है ना इसमें डिफरेंस सेम है, 0.25 इसमें भी है, 0.25 इसमें भी है और 0.25 इसमें भी है, ठीक है। सो इसमें जो है ना आप वो फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस वाला फार्मूला लगा सकते हो। और आप देखो 0.43 किस चीज़ के दरमियान है, 1 2 3 4 ये बिल्कुल एग्जैक्टली दरमियान में है, सो आप वो दो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनिशियल इन दोनों के दरमियान था सो फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता, अगर इस दोनों के दरमियान था सो बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला आपको मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता। लेकिन ये आपको जनरली उस एग्जाम्पल नंबर वन जो मैंने आपको पार्ट में कराया था ना ये बिल्कुल इसी तरीके से ही है, ठीक है। सो विश यू गुड लक, और ये जो है ना आप खुद से कर ले और फिर मेरे साथ अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर ले, मैं आप इसको कंफर्म भी करूंगा, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। सो जो है ना ये मैंने आपको करा दिया, फिर अगेन जो है ना मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है ना आपको बैकवर्ड न्यूटन बैकवर्ड जो है ना डिफरेंस फार्मूला और जो है ना न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला पे मैं आपको एग्जांपल करूंगा। विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।